क्षेत्र में हो रही निरंतर बारिश से लोग परेशान हो चुके हैं। चारों तरफ की सड़क मार्ग बंद हो गए हैं। सागर जिले के सीहोर अंतर्गत धसान नदी में 20 लोग टापू में फंस गए हैं। जानकारी के अनुसार ग्राम डगरानिया में 2 लोगों का परिवार धसान नदी के बाढ़ के पानी में फंस गया, जिसे रेस्क्यू कर निकाला गया। दरअसल शिवशंकर यादव और दामोदर पटेल का परिवार नदी के पास ही रहता है। गांव वालों ने समझाया था, तुम लोग गांव में आ जाओ, लेकिन वह नहीं माने। बारिश के चलते पानी ने घर को घेर लिया और वह लोग फंस गए। वहीं प्रशासन ने से गुहार लगाई और प्रशासन अलर्ट हुआ और मौके पर SGM, तहसीलदार, जनपद CEO, सीहोरा चौकी प्रभारी पहुंचे और तुरंत NDRF टीम को बुलवाया गया और रेस्क्यू कर 20 लोग, जिसमें महिलाएं, बच्चे, एक गर्भवती महिला भी शामिल थी, जिन्हें NDRF टीम के जवानों की मदद से बाहर निकालकर गांव में ही रुकने की व्यवस्था की गई। सीहोरा से पुष्पेंद्र सिंह राजपूत की रिपोर्ट। सही, नदी में लोगों के लिए रेस्क्यू किया गया है, कितने लोगों की रेस्क्यू किया गया? आज ग्राम डगरानिया में लगभग 20 लोगों को नदी के चारों ओर बने घर में फंसे होने की सूचना मिली। इसमें नायब तहसीलदार सी होता था, तत्काल कार्रवाई करते हुए यहाँ पर फंसे हुए और पाया गया कि इनको निकालना आवश्यक है। इसी के तारतम्य में SDRF की विशेष दल यहाँ बुलाया गया। लगभग 1:30 बजे टीम पहुँची और उनके द्वारा 20 लोगों को 4 राउंड में रेस्क्यू किया गया। इसमें 6-7 छोटे बच्चे थे, एक प्रेग्नेंट महिला, कुछ बुजुर्ग और अन्य साथियों को मिला के 20 लोगों को यहाँ से सुरक्षित बाहर निकाला। सर, आपको सूचना कितने बजे प्राप्त हुई थी? लगभग 8:30 बजे तत्काल कार्रवाई करते हुए ये रेस्क्यू ऑपरेशन किया गया और सभी लोगों से बाहर निकाला गया।